गणतंत्र पर्व की तैयारियां अब दमोह जिले में पूरी हो गई हैं। गणतंत्र पर्व को लेकर के फुल ड्रेस रिहर्सल सुबह मंगलवार को की गई, तो वहीं इसमें दमोह जिले के कलेक्टर एस कृष्ण चेतन और पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के साथ समस्त अधिकारी शामिल हुए। मालूम हो कि दमोह जिला मुख्यालय पर मध्य प्रदेश सेशन के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो वहीं इस आयोजन को लेकर के फुल ड्रेस रिहर्सल की गई और फुल ड्रेस रिहर्सल किए जाने के बाद अब गणतंत्र पर्व पर ही यह परेड होगी और गणतंत्र पर्व का विधिवत आयोजन किया जाएगा। पूरे देश में दिल्ली से लेकर दमोह तक गणतंत्र पर्व की धूम दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। और सबने हमारा अभिवादन किया, अभिवादन को स्वीकार की हुई और अब इसके बाद मंच पर आगमन राकेश कुमार सिंह जी। मैंने यही सतरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा अभी तो 9 बजे है। तुमको जो है जो कार्यक्रम जो शुरू हो गया लोग वहाँ पे एक्टिव हो जाए तो वो 1 घंटा बैठना पड़ेगा लोगों को। इसको एक साइड जो है वो कवर कर ऊपर से ही ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो पर्दा डालने की। ठीक, वो एक सेम केस यहाँ पे तुम जो डाल रहे हो एक साइड, वो पिछली बार भी वो सभी पीटी के राष्ट्रपति के ब्रेक वापस चलो। प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने सम्मानित किया है जम्मू ग्रेड कमांडर चौधर अभिनव साहब के नेतृत्व में। पहले क्रम पर हमारी बेटी आगे बढ़ती है।
फाइनल परेड की रिहर्सल जो है आज 24 तारीख को हम लोगों ने की है। जितने भी अपने परेड में शामिल होने वाले टीम्स हैं वो सभी लोगों का एक फाइनल हम लोगों की तैयारी के बारे में चेक करने के लिए और अपनी जो टाइम दिया हुआ है उसके हिसाब से पूरी कार्यक्रम का, तो अभी पूरी तैयारियां जो है हम लोगों की हो गई है। जैसे अपनी VIP उस दिन आएंगे तो उसके हिसाब से हम लोग जो है कार्यक्रम करने के लिए अपनी टीम जो है पूरी तरह रेडी हो गई। तो हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हर साल की तरह जो है इस बार भी जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पे अपना कार्यक्रम होगा और लोग जितने भी लोग यहाँ पे देखने के लिए आएंगे उसके लिए भी बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम यहाँ पे करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। वासियों को अपनी तरफ से गणतंत्र की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय और उनका जीवन सुख और धन धान्य से परिपूर्ण होगा। पूरी दमोह की जनता को हार्दिक बधाई।